जन्म कुंडली अध्ययन के अंतर्गत आज मैं अब ये जो दूसरी कुंडली आपके सम्मुख लाया हूं दर्शकों, ये भी एक 35 वर्षीय युवक की कुंडली है। शुरुआत से ही जो लोग कार्यक्रम देख रहे हैं, जो अभी बीच से देखना प्रारंभ कर रहे हैं, उनको भी बता दूं कि आज हम लोग जिन कुंडलियों का अध्ययन कर रहे हैं, ये कुंडली संतान की समस्याओं से पीड़ित है, संतान दोष से ग्रसित कुंडलियां हैं। ये 35 वर्ष इनकी उम्र हो गई। इनकी भी ये समस्या है कि लगभग इनकी पत्नी को 3 गर्भ खराब हो गए, यानी कि गर्भ स्राव हो गया, गर्भ गिर गया। अब सवाल ये उठता है कि इस विषय को लेकर के ये मेरे पास आए, चूंकि जब कार्यक्रम इन्होंने देखा तो ये मेरे पास संपर्क किए इस विषय को लेकर के। तो दर्शकों, इनकी पत्नी और इनका, मैंने दोनों की कुंडली का अध्ययन किया, लेकिन मैं कुंडली सिर्फ पुरुष की लेकर के आया हूं। क्यों? क्योंकि पत्नी की कुंडली में कोई बहुत बड़ा दोष नहीं था, दोष इन्हीं की कुंडली में था। हालांकि डॉक्टरी इलाज अगर की बात करी जाए तो इन लोगों में दोनों के दोनों लोग फिट हैं, कोई प्रॉब्लम दोनों को नहीं है। पर ऐसा हो क्यों रहा है? बार बार गर्भपात क्यों हो रहा है? गर्भ का गिरना ऐसा क्यों हो रहा है? तो जैसा कि हम ज्योतिष के माध्यम से देखते हैं, कुंडलियों के माध्यम से देखते हैं, और उसी से इन चीजों का समाधान निकालते हैं, तो आइए इनकी भी जन्म कुंडली का हम लोग अध्ययन प्रारंभ करें, उसी में इस समस्याओं का हल ढूंढेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यह जन्म कुंडली जो आपके सम्मुख है, 1 नंबर से प्रारंभ हो रही है। 1 नंबर का मतलब होता है मेष राशि, अर्थात ये जन्म कुंडली मेष लग्न की हुई। मेष लग्न और लग्नेश कहां पर बैठे हैं दर्शकों? तो देखिए, जहां पर 5 नंबर इस कुंडली में लिखा है, वहीं पर मंगल, राहु, गुरु और शनि, 4-4 ग्रह बैठे हुए हैं। तो जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि संतान का कारक ग्रह कौन है, संतान कराता कौन है, संतान देता कौन है? बृहस्पति। अगर कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो तो संतानोत्पत्ति में बाधा, संतानोत्पत्ति में विलंब, संतानोत्पत्ति में तरह तरह की समस्याएं आती हैं। डॉक्टरी इलाज को देखा जाए तो उस मामले में ये दोनों लोग ठीक हैं। पहली कुंडली में शुक्र नीच का था, आपने देखा था। इनकी कुंडली में देखिए, जहां 2 नंबर लिखा है वहां पर शुक्र बैठा हुआ है, और 2 नंबर का मतलब होता है दर्शकों वृष राशि। वृष राशि का स्वामी शुक्र यानी कि स्वगृही है, तो ये बात तय है कि इनके अंदर उस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर फिर भी ऐसा हो क्यों रहा है? तो गर्भपात कराने का कारण, गर्भ गिरने का जो प्रमुख कारण है, वो है कुंडली में पंचम स्थान पर नजर डालिए, वहां पर मंगल बैठा हुआ है, राहु, गुरु और शनि। राहु और मंगल का हो गया अंगारक योग, शनि और राहु का हो गया पितृदोष और सापित दोष, और राहु और गुरु की युति से बन गया चांडाल दोष। ये 3-3 दुर्योग कहां पर बने हैं? पुत्र के घर में, संतान के घर में। और दर्शकों, मैं पुनः बार बार आज, चूंकि विषय ही मैं ये इसलिए लेकर के आया हूं क्योंकि ये समस्या व्यापक है, कई घरों में है। जिस तरह से लोग आए ये कुंडलियों को देखने के बाद, मैं अचंभित हो गया कि इतने लोगों के साथ इस तरह की समस्या। इसका प्रमुख कारण है पितृदोष। पितृपक्ष का वर्तमान समय में समय चल रहा है। ये कितने लोग अपने पितरों को जलदान कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इन चीजों से बहुत दूर हैं, और ये भी बहुत बड़ा कारण है पितृदोष का। जरा गौर से विचार कीजिए, जिन पितरों की वजह से हमें ये घर, धन, संपत्ति अगर प्राप्त होती है तो अति उत्तम, नहीं होती है तो भी ये जो जिंदगी प्राप्त हुई है, क्या उनका कोई अधिकार नहीं है इस पर? अगर वो इस धरती पर नहीं है, मुझे तो लगता है कि यही गलती हम करते हैं कि उनके अधिकारों को हम भूल जाते हैं। दर्शकों, उनका हमारे ऊपर पूर्ण अधिकार है। हमारी जिंदगी में उनका हस्तक्षेप इसलिए भी होता है कि शास्त्र कहता है आत्मा जायते इति पुत्रः। पुत्र कौन है? पिता की आत्मा। आप अपने पिता की आत्मा हुए, आपके पिता अपने पिता की आत्मा हुए, ये क्रमबद्ध है।
तो कोई अपनी आत्मा को छोड़ करके कैसे जाएगा? ये पितृ हमेशा इंतजार करते हैं कि कब हमारे वंश में कोई ऐसा एक संस्कारी पुत्र हो जो हमें जल दान दे, पिंड दान दे, ऐसा कर्म करे कि हमें सदगति प्राप्त हो जाए। तो पितृदोष प्रबल कारण होता है संतानोत्पत्ति में बाधा का। आप लोग देखिए कि जिसको भी संतान में दिक्कत हो रही, कई बार क्या होता है दर्शकों, एक बात यहां और गौर करनी है। ये ठीक है कि आज के समाज में लड़के और लड़कियों में कोई भेद नहीं है, मैं इस बात को बड़े खुले तौर पे मानता हूं, लेकिन मैं ये भी पूछना चाहता हूं, मैं मुंह देखी बात, मुझे ऐसा लगता है कि मीठा लगे, समाज में इससे नाम हो, इसलिए मुंह देखी बात करूं, शायद ये उचित नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग ये कहते हैं या जिनको केवल लड़कियां ही लड़कियां हैं, क्या उनकी अपेक्षा नहीं रहती है कि मुझे संतान हो, पुत्र प्राप्त हो? अवश्य रहती है दर्शकों। और क्या जिन घरों में बेटियां हैं, क्या उन लड़कियों के लिए एक भाई की आवश्यकता नहीं होती होगी? अवश्य रहती है, क्योंकि भाई रहेगा तभी तो उनकी रक्षा करेगा। तो मुझे लगता है कि संतानोत्पत्ति सबके लिए आवश्यक है, पुत्रोत्पत्ति सबके लिए आवश्यक है। समस्याएं हैं तो उन समस्याओं का निदान, अब जैसा कि इनकी कुंडली में देख रहे हैं, ये चार चार जो ग्रह बैठे हैं और यहां पर इतना सारा जो दुर्योग, सापित दोष, पितृदोष जिसको मैं बोल रहा हूं, चांडाल दोष, अंगारक दोष और बुध और केतु, जहां पर आप इस कुंडली में देखिए बुध और केतु बैठे हुए हैं ये 11 नंबर में, इसको जड़ दोष कहते हैं और इसकी भी दृष्टि संतान के घर पर पड़ रही है। वर्तमान समय में इनको शनि की 7.5 चल रही है। जरा गौर से समझिएगा, बड़ा आनंद आपको आएगा, और समझेंगे तो इसका हल आप अगर हो सकता है आपके साथ ना हो तो दूसरों को तो बता सकते हैं। तो देखिए जरा सा, यहाँ पर इनकी कुंडली में 7 नंबर जो लिखा हुआ है, 7 नंबर का मतलब होता है तुला राशि। तुला राशि का स्वामी शुक्र, परंतु वहां पर चंद्रमा बैठा है, तो तुला राशि के दोनों तरफ देखिए कोई ग्रह नहीं, 6 नंबर भी खाली और 8 नंबर भी खाली, तो इनको लग गया केमद्रुम योग। अब केमद्रुम योग और साथ ही साथ संतान भाव का, जहां 5 नंबर लिखा है, 5 नंबर का मतलब होता है दर्शकों सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी सूर्य कहां पर बैठा है, तो इनकी कुंडली में जाकर के इस द्वादश स्थान में, यानी कि विनाश भाव में। हालांकि द्वादश भाव में सूर्य बुरा नहीं होता, परंतु हम संतान का विचार कर रहे हैं तो वहां ये वीक पॉइंट है। परंतु अब मैं बता दूं कि इनकी कुंडली में गोचर से बृहस्पति एकादश स्थान में चल रहे हैं, यानी इनकी राशि तुला है, तो तुला राशि से जब आप गिनेंगे तो तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह 11वीं राशि, इस समय वर्तमान में सिंह राशि पर है, और तुला राशि से 11वीं राशि होती है सिंह। तो सिंह राशि में बैठे सूर्य की पूर्ण दृष्टि संतान भाव पर पड़ने के चलते अगस्त 2016 तक प्रबल योग चल रहा है इनको संतानोत्पत्ति का। तो मुझे लगता है कि वर्तमान समय में इनको भगवान की शरणागति जितना जल्दी हो ग्रहण करनी चाहिए, इन दुर्योगों की शांति करानी चाहिए ताकि समय से संतानोत्पत्ति हो सके। एक बार बहुत ज्यादा विलंब हो जाने के बाद ज्योतिषी हो, डॉक्टर हो, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, तो समय रहते ही इसका इलाज ढूंढें। कई बार मैं लोगों को ये कहते सुनता हूं कि नहीं, अभी विवाह को बहुत वक्त नहीं हुए हैं, कम से कम हम 5-6 साल बाद हम संतान करेंगे। मैं पूछता हूं कि एक संतान हो जाएगा तो ठीक है, जिम्मेवारी बढ़ जाएगी, लेकिन उस संतान का भाग्य जब आपको मिलेगा, प्राप्त होगा, तो उस भाग्य से आपके भाग्य की वृद्धि होगी। तो संतानोत्पत्ति जीवन में भाग्य वृद्धि के लिए अति आवश्यक है, इससे बचने की आवश्यकता नहीं, और कमियां हैं तो उसका निदान भी है। तो दर्शकों, निष्कर्ष क्या निकल रहा है इस तरह की जो हम कुंडलियों का अध्ययन कर रहे हैं? आज हमने दो दो कुंडलियों का अध्ययन किया, कई घरों में इस तरह की समस्या है, तो निष्कर्ष क्या है इसका? इनकी भी कुंडली में कई सारे दुर्योग हैं, सबसे पहले इनको अपने पितृदोष की शांति करानी होगी, तत्काल कहीं एक अच्छे जगह पर चले जाएं, गया चले जाएं, वाराणसी चले जाएं, वहां पर पितृदोष की शांति कराएं, यानी कि त्रिपिंडी श्राद्ध कराएं, अंगारक दोष की शांति कराएं, चांडाल दोष की शांति कराएं, सब एक ही साथ एक जगह पर पंडित जी बैठ के करा देंगे, इन दुर्योगों की शांति कराएं। शनि की प्रबल 7.5 के अंतिम चरण में चल रहे हैं, तो हनुमान जी की आराधना करिए, प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करिए,
शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन करिए, हनुमान जी पर चमेली का तेल और सिंदूर का लेप लगाइए और साथ ही साथ संतान गोपाल के मंत्र का जप करिए, हरिवंश पुराण का श्रवण करिए। ये सारे उपाय, क्योंकि आपकी कुंडली में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ग्रहों के कारण ऐसा संतान विलंबित हो रही है, तो जब ग्रहों के चलते संतान विलंबित हो रही है तो उसका निदान ग्रहों के माध्यम से ही किया जा सकता है। तो दर्शकों, आपके भी घर में या आपके आसपास अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत दिनों से प्रयासरत है पर संतानोत्पत्ति नहीं हो रही है या उसमें कोई बाधा आ रही है, अगर आप देख रहे हैं इस कार्यक्रम को तो उन्हें भी जागरूक करिए कि समय रहते इसका इलाज कराएं, पहले तो डॉक्टरों को दिखाएं और साथ ही साथ ज्योतिष में भी इसके तरह तरह के निदान बताए गए हैं। जैसा कि पहले कार्यक्रम में मैंने बताया कि इस तरह की किसी भी तरह की समस्या हो उसके लिए ज्योतिष शास्त्र में, जो आयुर्वेद शास्त्र है, उसमें कई ऐसी औषधियां बताई गई हैं जिसका सेवन करने से किसी भी तरह की संतान की समस्या जो आ रही हो वो समाप्त हो जाती है। तो समय रहते जगना होगा, इसके लिए जगिए और इसका निदान करिए। तो दर्शकों, पुनः मैं आपके सम्मुख हाजिर होऊंगा एक नई कुंडली के साथ। जीवन में तरह तरह की समस्याएं प्रत्येक व्यक्ति को लगी हुई है। आज के समाज में, आज के समय में लोग तरह तरह की समस्याओं से पीड़ित हैं, ग्रसित हैं। मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं कि भगवान की शरण में आइए। भगवान की शरण में आने से क्या होगा, समस्याएं खत्म हो जाएंगी? नहीं, ये मत सोच करके आइए। ये जान लीजिए कि भगवान की शरण में आ जाने भर मात्र से आपकी समस्याएं दूर नहीं होंगी, क्योंकि वो प्रारब्ध है, उसको तो भोगना होगा। फिर क्यों आना? इसलिए आना कि भगवान से ये प्रार्थना किया जा सके कि वो शक्ति दे हमें कि किसी भी तरह की समस्याओं से मैं लड़ सकूं, उससे लड़ सकूं। इसके लिए ही आपको भगवान की शरण में आना है। पुनः आपसे मुलाकात होगी एक नई कुंडली, एक नए अध्ययन के साथ। हो सकता है वो कुंडली आप में से ही किसी एक व्यक्ति विशेष की हो। तब तक मुझे मेरी वाणी को विराम देने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।